नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात हो रही है अमरोहा लोकसभा सीट की। बड़ा कांटे का मुकाबला है इस बार। बीजेपी ने तो कंवर सिंह तंवर पे ही भरोसा जताया है, चूंकि अवतार सिंह भड़ाना जो मीरापुर से विधायक थे वो छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा मिले, कांग्रेस में चले गए। तो बीजेपी पे यूं भी आरोप लग रहे थे, चाहे महेश शर्मा का मामला हो, चाहे क्षेत्र में और गुजर नेताओं का मामला हो, कि बीजेपी गुजरों के कहीं ना कहीं उपेक्षा कर रही है, इससे गुजरों में नाराज़गी है। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा गुजरों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश हुई है। कैराना से इवन इस बार प्रदीप चौधरी को उतारा गया है। कंवर सिंह तंवर में पुनः भरोसा जताया गया है। बीरेन्द्र सिंह को पार्टी में लाया गया है। तो इस बार जो मुकाबला होने जा रहा है, चूँकि बिना किसी लहर के चुनाव हो रहा है, इसलिए मामला और मुकाबला बहुत दिलचस्प है। उधर कांग्रेस ने क्या किया है कि कांग्रेस ने उतार दिया है सचिन चौधरी को। पहले उसने राशिद अलवी को टिकट दिया था। राशिद अलवी अमरोहा से चुनाव लड़ चुके हैं और वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन राशिद अलवी ने जो है वहाँ से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर जो है सचिन चौधरी को मैदान में उतारा। सचिन चौधरी पास के ही हापुड़ से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी भी जानते हैं और पिछले एक साल से बताते हैं कि क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। वैसे यदि जातिगत विश्लेषण करेंगे और देखेंगे तो सचिन चौधरी जो है जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन चूंकि एक साल से उस क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, इसलिए माना जा रहा था कि वो सशक्त दावेदार हैं। लेकिन बीच में राशिद अलवी को कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन जब राशिद अलवी ने मना कर दिया तो फिर सचिन चौधरी पर कांग्रेस ने दाव लगाया। और इधर क्या हुआ है कि जो सपा बसपा और लोक दल का गठबंधन बना है, इसमें एक इस बार नया प्रयोग हुआ है। जो कुंवर दानिश अली हैं, वो भी हापुड़ के पास के ही रहने वाले हैं। कुंवर दानिश अली हैं, वो जेडीएस में बहुत लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं जेडीएस की। और इस बार हुआ क्या है कि समझौते के तहत, जैसा कि बीएसपी और जेडीएस की तरफ से सफाई दी गई, खासतौर से जेडीएस की तरफ, कि ऐसे कि दानिश अली को जानबूझ करके उन्होंने बसपा में भेजा है ताकि वो अमरोहा से चुनाव लड़ सकें। तो बहन जी ने जो है, बहन मायावती ने इस बार जो है दानिश अली में विश्वास जताया और उनको अमरोहा से चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो वो जो उम्मीदवार बने हैं वो सपा बसपा और लोक दल के तीनों के उम्मीदवार बने हैं। और यदि जातिगत विश्लेषण करें यहाँ के वोटों का, तो आप पाएंगे कि लगभग 16.5 लाख मतदाता हैं और 16.5 लाख मतदाताओं में से जो है यहाँ पे जो है 5,70,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बाद 2,75,000 के आसपास एससी मतदाता है। यही जो है गठबंधन प्रत्याशी का सबसे बड़ा जो है आधार है। और जाट मतदाता भी 1,25,000 के आसपास है और सैनी मतदाता भी 1,25,000 के आसपास है। तो अब देखना ये है कि बीजेपी किस तरह से इस सीट को रिटेन करती है, क्योंकि कंवर सिंह जो तंवर हैं उनमें पैसे वाले भी हैं, क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया है, लेकिन एक शिकायत उनसे लोगों की है कि जिस तरह से क्षेत्र में एक्टिव होना चाहिए था उस तरह से वो एक्टिव नहीं रहे। बाकी दोनों प्रत्याशियों पे तो ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि सचिन चौधरी चूंकि नए प्रत्याशी हैं, इसी तरह से कुंवर दानिश अली भी नए प्रत्याशी हैं, इसलिए उनके बारे में ये बात नहीं बोली जा सकती। और कहीं ना कहीं नया और युवा चेहरा होने का इनको लाभ भी मिल रहा है। तो मुकाबला इस वजह से जो है काफ़ी कांटे का हो गया है। और अमरोहा में अमित शाह ने, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी जोर लगाया। और अभी जो सेकेंड राउंड के, अभी जो प्रधानमंत्री की भी आसपास जो सभा होने के करने की तैयारी की जा रही है, तो कुछ इस तरह से सभा की जा रही है ताकि जो है आसपास के सीटों पे भी इसका फर्क पड़े। तो मेरठ में जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रखा गया था, बहुत सोच समझ करके रखा गया था। तब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल यहाँ पे जो है इस बार मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है, क्योंकि बिना किसी लहर के चुनाव हो रहा है और तीनों के तीनों पूरा जोर लगा रहे हैं। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।